audience panel, people who've had the experience of working both in the field as well as in the studios, people who have been through the rough and tumble of journalism, seen it all up close, covered Lok Sabha elections. So in a sense, the panel that you see today before yourself is somebody who has been through the thick and thin of journalism and also covering politics and business. Well, the topic that has come to me is very interesting. Are TV, studio and TV debate becoming echo chambers? And I, for one, have had a very strong opinion on this, and that is what I would want to ask my panel today on. And at the outset, my first question would be that, does the dual experience of going to the field give a very different kind of edge when you're in the studio and stops the studio from becoming an echo chamber? यानी मेरा ये कहना है, अगर आप स्टूडियो में जा रहे हैं, स्टूडियो से बाहर भी निकल रहे हैं और बाहर की दुनिया देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिर अगर आप स्टूडियो में आते हैं, या जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था आज से 12 साल पहले, तो हमें ये कहा जाता था कि हमारे जो एडिटर्स है टाइम्स ऑफ इंडिया के, ये पार्टीज में नहीं जाते, ये लोगों में घुल मिलते हैं और लोगों से फीडबैक लेते हैं, उसका एक अलग फ्लेवर आ जाता है उनके रिपोर्टिंग में. मैं दिलीप तिवारी जो सीईओ हैं ZMPCG के और एडिटर चीफ हैं, उनसे पहला ये ओपिनियन इनका लेना चाहूँगा. तरुण, सबसे पहले तो मैं उन एंकर्स को पहले कह दूँ कि ये मेरा जो कमेंट है वो पर्सनल नहीं है और किसी को ज्ञान बांटने का मेरा कोई राइट नहीं है, क्योंकि मैं आपसे फेस वैल्यू में बहुत कम हूँ. मैं रिपोर्टर हूँ, आप सब एंकर्स हैं, और ये पर्सनल कमेंट किसी भी एंकर पर नहीं है. लेकिन तरुण ने जो सवाल किया कि हाँ, अगर आप फील्ड में रहते हैं तो फील्ड का एक जो फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग का जो एक्सपीरियंस होता है, अगर आप एंकर बन जाते हैं, स्मिता की तरह होते हैं, आप सईद की तरह होते हैं, या बाकी जो मेरे जो कलीग्स हैं जो डिफरेंट चैनल्स पर काम करते हैं, तो अगर आप फील्ड में हैं तो उसका एक एक्सपीरियंस आपका स्टूडियो में नज़र आता है. मैं कभी कभार जैसे जिस भूमिका में तरुण है उस भूमिका में होता हूँ, इसी तरह के अपने शोज़ होस्ट करता हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्ट के साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इनसाइड आउट नहीं देखें तो अच्छा है, आउटसाइड इन देखिए. आप स्टूडियो के भीतर बैठकर पूरी दुनिया को समझते हैं कि मैंने सब कुछ ज्ञान हासिल कर लिया है, वो अच्छा नहीं है. क्योंकि बाहर रहकर, जैसे तरुण ने कहा कि कुछ एडिटर्स या कुछ पॉलिटिकल फील्ड में जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग, वो लोगों के बीच में रहते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, फिर वही उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है. हम लोग ऑफिस के अंदर बैठकर, अपने चैम्बर्स में बैठकर, अपने न्यूज़ रूम में बैठकर सारा कुछ दूसरे का नॉलेज अगर पढ़ के या दूसरे की लिखा हुआ पढ़ के अगर हम कहते हैं कि ये पूरा परफेक्ट नॉलेज है, तो मैं उसको बिल्कुल ठीक नहीं मानता हूं. क्योंकि आप उनसे मिलिए जो आपका टीजी है, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जिनके लिए आप न्यूज़ बनाते हैं, जिनके लिए आप बात करना चाहते हैं, और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर जब तरुण हमारे साथियों से बात करेंगे उस पर मैं अपनी टिप्पणी करूंगा. लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एंकर के तौर पर स्टूडियो में बैठते हैं और आप साथ में फील्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो आपकी मैच्योरिटी, आपका आत्मविश्वास, और आपको चिल्लाने वाले एंकर के तौर पर ना जाना जाए, ये वहीं से आता है कि आप केवल चिल्लाइए मत. जैसे मेरी डॉटर्स 15 ईयर ओल्ड हैं, दोनों ट्विंस हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि तुमको क्या लगता है एंकर्स के बारे में, तो वो कहते हैं ये फिश मार्केट की तरह लगता है कि कभी फिश मार्केट में मतलब हर आदमी चिल्लाता है और कोई किसी की सुनता नहीं है, या उसको सब्जी मंडी का नाम दे दीजिए आप. तो एंकर्स की अगर ये परिभाषा हो जाए, किसी भी एंकर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आपके बीच से ही हूँ, और मुझे लगता है कि हम लोगों ने अपनी इमेज खुद खराब कर ली है. या तो हम जज की भूमिका में हैं, या पुलिस के कांस्टेबल या दरोगा की भूमिका में हैं. कई बार मुझे लगता है कि हम जिनको बुलाते हैं, क्या हम उनको बेइज्जत करने के लिए बुलाते हैं, एयर टाइम दे रहे हैं, या कई बार मैंने चैनल में एंकर्स को ऐसे देखा है कि वो गंदी भाषा भी सुन लेते हैं उस होस्ट की, और वही दूसरे चैनल में जाकर बैठता है. आपने अपने चैनल में बैन किया, लेकिन दूसरा चैनल उसको वेलकम करता है. तो हमारे अंदर ये भी रिस्पेक्ट नहीं है कि अगर आपके किसी, आपकी जमात के एक एंकर को उसने अश्लील शब्दों का, मतलब वो शब्द मैं शायद यहाँ नहीं बोलना चाहूँगा, उन शब्दों का, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, वही वायरल होता है, और फिर दूसरे दिन वही एंकर आपको दूसरे टेलीविजन चैनल में नजर आता है. आई थिंक इट्स डिस्गस्टिंग. अभी मैं जाना चाहूँगा स्मिता शर्मा के पास. स्मिता, आपने तो यू हैव सीन द होल यूनिवर्स इन द सेंस, चैनल, डिजिटल, यू हैव सीन द इमर्जेंस ऑफ टीवी इन इंडिया. जब टीवी इंडिया में सैटेलाइट टेलीविजन मेनली 2002 के बाद आया इंडिया में बड़े तौर पे, स्मिता शर्मा ने वो पूरा ट्रांसिशन देखा है, तो आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस इशू. हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी ऑन दिस पैनल टुडे. मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब ये टॉपिक ईमेल किया गया और मैंने इसे देखा कि क्या टीवी स्टूडियोज आज इको चेम्बर बन गए हैं, मेरे दिमाग में आ रहा था कि इको चेम्बर तो छोड़िए, वो टॉर्चर चेम्बर बन गए हैं. और मुझे याद है कि पहले 2 सालों में मेरे रिपोर्टिंग करियर में उस वक्त मैं बीजेपी कवर करती थी, मैं वेदर रिपोर्टिंग करती थी, सीबीआई कवर करती थी। मुझे कई दफ़ा वहाँ एडिटर्स ने कहा कि आप एंकरिंग करना शुरू कीजिए, और उस वक्त वो 24 घंटे का बीस्ट टेलीविज़न बना भी नहीं था। लेकिन मैंने एक पर्सनल फैसला किया था, मैंने कहा कि मैं तब तक स्टूडियो में बतौर एंकर नहीं बैठना चाहती हूँ जब तक कि मुझे इनफ ग्राउंड करना चाहते हैं। बट हैविंग सीन दिस इंडस्ट्री वेरी क्लोजली विच इज़ वेरी लिंक्ड द एवोल्यूशन ऑफ दिस इंडस्ट्री टू ऑल्सो द प्रॉब्लमैटिक एंड द फॉल्टी रेवेन्यू मॉडल्स। प्रॉब्लम 2 एंड पर हैं। एक, मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल जो एंकर्स होते हैं उनमें काफ़ी ऐसे एंकर्स के साथ मुझे दिक्कत ये है कि आप जिस स्टूडियो में बैठ रहे हैं यू डोंट वॉन्ट टू अर्न दैट स्टूडियो स्पेस, यू डोंट रिस्पेक्ट दैट इनफ टू बी वर्किंग टूवर्ड्स इट। एंड सेकेंड, एडिटर्स की प्रॉब्लम है। एडिटर्स ऑल्सो जो ग्रूमिंग होती है, मैं IAMC के एक इंटरव्यू में बैठी हुई थी, आई रिमेंबर somehow most of the students who were coming in for the viva were dropouts of Punjab Technical University, and a lot of them जिनको भी मैं पूछूं कि आप जर्नलिस्ट क्यों बनना चाह रहे हैं तो जवाब आता था क्योंकि हमें कैमरे पे आना है, क्योंकि मुझे एंकर बनना है। एक शख्स को हमने सवाल पूछा, कुछ एक मसला चल रहा था उस पर थोड़ा सा we were trying to grill, so there's a pause in the room and there were 3 of us including the person who was head of department when I was a student in IAMC. And this person looks at me and says, दरअसल एंकर्स को फैक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। हमें लगा कि ये धरती फट जाए, हम अंदर चले जाएँ। आई वॉज लुकिंग एट माई HOD, बट देन वी रियलाइज कि मे बी द प्रॉब्लम लाइज विथ आस, बिकॉज दैट्स द इमेज दैट यू हैव पर्कुलेटेड टुडे, दैट एज एन एंकर उस एंकर की प्रीमियम आज ज़्यादा है जो टेबल तोड़कर डिस्कशन करवा पा रहा हो, क्योंकि वो एक आसान तरीका होता है। आपको उस सब्जेक्ट की खुद जानकारी नहीं है तो या तो आप 3 किलोमीटर लंबे सवाल पूछते हैं जिसमें इंसान घूमता रह जाता है कि भाई सवाल क्या है, या आप वो सवाल पूछने की जगह आप सिर्फ सामने जो पैनलिस्ट हैं आप बताइए और बताइए, ये बताइए, ये सबसे आसान तरीका हो गया है। तो इन सब की प्रॉब्लम ये है कि TV बाई इटसेल्फ हैज़ गॉन डाउन द पाथ ऑफ चीप जर्नलिज्म विच इज़ द जर्नलिज्म ऑफ स्टूडियोज़। बहुत कम ऐसे चैनल्स हैं जो आज की तारीख में अपने रिपोर्टर में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, फील्ड कवरेज में पैसा खर्च करने को तैयार है, क्योंकि टॉक जर्नलिज्म हैज बिकम चीप जर्नलिज्म। सो आई थिंक देयर आर अ होल लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वी कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट। सेट ऑफ गुड पॉइंट्स जो स्मिता शर्मा ने हमारे साथ शेयर किए। मैं सईद अंसारी जी के पास जाना चाहूँगा। सईद जी, आपने इन अ सेंस काफ़ी साल से आपने भी एक न्यूज़ इकोसिस्टम इंडिया में डेवलप होते देखा है। आपने वो ज़माना भी देखा है जब मॉडल एंकर्स आते थे मेल या फीमेल न्यूज़ रीडिंग करने के लिए। आपने ये भी देखा है कि जब जो फील्ड से आते थे या जो एक फील्ड एक्सपीरियंस लेके फिर जो एंकर्स बने, आपने कैसे इस यूनिवर्स को चेंज होते हुए देखा है इतने सालों में? तरुण, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे दोनों दोस्त दिलीप और स्मिता का जवाब देना चाहूँगा। हम यहाँ न्यूज़ रूम में शोर शराबे की बात कर रहे हैं या हम यहाँ पर एंकर वर्सेस रिपोर्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी और बड़ा ताज्जुब हुआ। दिलीप भी एंकर हैं, स्मिता भी एंकर हैं, और ये एंकर्स से इतने खफा हैं, नाराज़ हैं। मुझे तो बिल्कुल भी इस बात में ना शर्म आती है, ना लोगों के क्रिटिसिज्म से कोई परेशानी है कि न्यूज़ रूम या न्यूज़ स्टूडियोज़, ख़ासतौर से वो डिस्कशन वाले शोज़ जो इको चैम्बर्स बन गए हैं जहाँ पर शोर शराबा हो रहा है, टेबल तोड़ एंकर। आज शाम को आप देखिएगा यहाँ जितने अवार्ड्स दिए जाएंगे, मैं गेस कर रहा हूँ वो सब टेबल तोड़ एंकर्स को ही मिलेंगे। यहाँ जितने अवार्ड्स दिए जाएंगे वो सारे उन डिस्कशन शोज को ही मिलेंगे। आपको ये तय करना होगा। दूसरा सवाल, दिलीप भाई बहुत सम्मान के साथ, स्मिता बहुत ही इज्जत के साथ, आज ऐसा कौन सा एंकर है जो आपको फील्ड में नजर नहीं आता? और वो एंकर की डेफिनेशन आप लोगों की नज़र में क्या है? एक एंकर है, स्टूडियो में बैठा है, तो वो फिर आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। आप खुद दोनों बहुत बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दोनों एंकरिंग करते हैं, दोनों एडिटर लेवल पर हैं। दिलीप भाई तो 3, 4, 5 चैनल्स को चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने बड़ा जी को इस्टेब्लिश किया है, नाम वहाँ पर किया है। स्मिता ने इंटरनेशनल अफेयर्स ज़बरदस्त कवर किया है, वहाँ की आप एडिटर रही हैं, अभी भी हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पर आप बहुत और बेहतर काम कर रही हैं। क्या आपको सिर्फ इसलिए एंकर बना दिया गया कि आप रिपोर्टर थी? जितने भी एंकर्स हैं, आप जो सवाल इन पर उठा रहे हैं, क्या वो बिना पढ़े लिखे हैं? क्या वो बिना सिर्फ आप बताइए करके हो गया है? जो बच्चे का IAMC में आपने एग्जाम्पल दिया, क्या आपने उस बच्चे को सिलेक्ट किया? शायद नहीं। जहां तक इको चैम्बर का सवाल है, अरे भाई आप बचपन से अपने घर में देख लीजिए, क्या बुराई है आपको अगर वहां शोर शराबा हो रहा है तो? सिर्फ हर चैनल में 1 घंटा या 2 घंटे से ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी चैनल का, सिर्फ वो शोज जहां पर 4-5-6 गेस्ट होते हैं, जिस तरह से हम बैठे हुए हैं। आप इस तरह से हमारी बात करवा लीजिए। मुझे बहुत सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी दिलीप भाई की, मैं रोकना चाह रहा था उन्हें। मुझे बहुत सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी स्मिता की, मैं रोकना चाह रहा था उन्हें, मैंने नहीं रोका। लेकिन क्या अगर हम एक फॉर्मेट तय करके बैठते, अगर तरुण हमें ये अलाउ करते कि नहीं, अगर आपको जहां किसी को रोकना हो, पसंद ना आए, आप काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो क्या मैं नहीं करता? क्या अभी हो सकता है स्मिता कहना चाह रही हूँ, मुझे रोकना चाह रही हूँ, मुझे कुछ और बोलना चाह रही हूँ, दिलीप कहना चाह रहे हूँ, तो क्या ये लोग मुझे नहीं रोक सकते? वो एक फॉर्मेट इशू होगा। कोई भी चैनल जो है वो 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन नहीं करता है। क्या आप ये सवाल उठा रही हैं स्मिता कि जितने एडिटर्स हैं सारे टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम में बैठ के, जो कभी फील्ड में नहीं गए, क्या उनके पास दिमाग नहीं है? क्या उनकी सोचने समझने की शक्ति उनके पास नहीं है? क्या वो ये तय नहीं कर सकते कि खबर क्या है? क्या दिलीप, आप मुझे ये बताइए कि क्या वो एडिटर्स को आज आप खारिज कर रहे हैं? कहिए, आप कहिए कि मैं नहीं ऐसे किसी एंकर को मानता हूं जो कभी फील्ड में ना निकला हो। और मुझे नाम बताइए आज आप दोनों, स्मिता और दिलीप, आप भी, कि इतने कैसे इंडस्ट्री में कौन कौन से वो एंकर्स हैं। आप नाम लेकर, आप बिल्कुल नाम लीजिए, आप क्यों डरते हैं? आप बताइए कि हाँ ये एंकर कभी फील्ड में नहीं गया और मैं इसे एंकर नहीं मानती, हाँ इस एंकर ने कभी, आप बताइए के अलावा कोई तीसरा सवाल नहीं पूछा। और इस सवाल का भी जवाब दीजिए। आज 2 घंटे बाद जो यहाँ पर अवार्ड फंक्शन होगा, वहाँ सारे टेबल तोड़ एंकर्स को ही बेस्ट एंकर और बेस्ट रिपोर्टर और बेस्ट ये बेस्ट वो मिलेगा। किसी भी दूसरे उस एंकर को जो शांत है, चीखता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, सौम्य है, अपनी बात करता है, उसे नहीं मिलेगा। एंकर पर आप सवाल उठा रही हैं, आप उस गेस्ट पे सवाल नहीं उठा रहे। आपने उस गेस्ट पे सवाल क्यों नहीं उठाया जो आकर वहां चिल्लाते हैं, जो थप्पड़ मारते हैं एक दूसरे को? आप भी हिस्सा रहे हैं उसका। आप भी कुछ समय पहले तक उसी न्यूज रूम में वही करती थी। मैंने देखे आपके शोज में कितना शोर शराबा होता था। मैंने देखे आपके शोज में लोगों को बुरी तरह से लड़ते हुए। मैंने दिलीप के शो में इतना ज्यादा शोर शराबा देखा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। स्मिता के शो में देखा है मैंने। मुझे याद है स्मिता कश्मीर कवर कर रही थी, वहां से लौटी सीधे एयरपोर्ट से, इनको आकर 6 बजे हल्ला बोल करना था, याद कीजिए, यही सैटरडे या संडे का दिन था। भागते हुए आ रही थी एयरपोर्ट पर, मुझे स्टैंड बाय रखा गया कि स्मिता नहीं आई तो आप करेंगी। क्या हुआ था उस दिन बताइए आप, क्या हुआ था स्टूडियो में? गेस्ट के नाम भी बता सकता हूं। तो आप ऐसे कैसे सवाल उठा सकते हैं? दूसरा सवाल, तरुण, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, याद कीजिए आप उन 23 घंटे 22 घंटों का जिक्र नहीं कर रहे हैं दिलीप और स्मिता। आप नहीं बता रहे हैं। क्या आप ये मानते हैं, आज दिल पर हाथ रखिए, बहुत ईमानदारी से ये स्वीकार कीजिए कि 22 घंटे जो भी होता है वो एक सेंसिबल डिसीजन नहीं है? खबर की सेंस उन एंकर्स एडिटर्स को नहीं है क्योंकि वो फील्ड में नहीं गए, इसलिए आप खबर देखना बंद कर दीजिए, आप चैनल को सीधे सीधे खारिज कर दीजिए। या आज आप दोनों, आप CEO हैं, आप एडिटर हैं, अगर आप इस पोजीशन पर हैं तो आप एक क्यों नहीं गाइडलाइंस तय करती हैं? क्यों नहीं करते हैं दिलीप? क्यों आपका कोई एडवर्टीजमेंट आज तक हमें नहीं दिखा है जिसमें क्वालिफिकेशन लिखी हो, जिसमें एक्सपीरियंस लिखा हो कि एंकर्स की क्वालिफिकेशन ये होती है, रिपोर्टर की क्वालिफिकेशन ये होती है? क्यों आप अपने आप को आज एंकर क्यों किया आपने? एंकरिंग दोनों ने, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्यों स्टूडियो में आप बैठे? क्यों आपने अपने शो में शोर शराबा होने दिया? क्यों नहीं आपने उन्हें स्टूडियो से बाहर कर दिया? क्यों नहीं आपने अपना शो बंद कर दिया? ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा सईद, दिलीप, आप अर्चना के नहीं, मैं ऐसा करते हैं, पहले हमारे दोनों कलीग बोल रहे हैं क्योंकि सईद ने मसाला बहुत दिया बोलने के लिए, लेकिन बाकी दोनों कलीग बैठे रह जाएंगे तो अर्चना, आपके ओपिनियंस रखें इस बात। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे न्यूज़ रूम हो या व्यूवर्स हो, सबसे आसान होता है एंकर्स को हिट करना। वही शायद यहाँ पे भी शुरू हुआ है, सबसे आसान होता है क्योंकि वो फेस होता है। और आप दोनों तो खुद ही एंकर रहे हैं और बहुत बड़ा नाम रहे हैं, इसमें तो आपको तो बहुत देखा है। लेकिन आज के समय में ये कहना कि कोई एंकर फील्ड पे नहीं जाता, मुझे नहीं लगता ऐसा शायद है कि कोई एंकर फील्ड में नहीं जाता हो। और अगर जो एंकर स्टूडियो में भी रहते हैं ज़्यादा, उनको हर चीज़ के सारे एंगल पता होते हैं, क्योंकि रिपोर्टर जो होगा वो बीट का रिपोर्टर होगा, उसको अपनी बीट के बारे में पता होगा, वो उसके बारे में बात करेगा। लेकिन एंकर हमेशा ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव से बात करता है। जहाँ तक टेबल तोड़ एंकर या चिल्लाने की या जोर से शो करने की बात है, तो वो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हैं, बहुत सीमित लोग हैं। कई बार आपके गेस्ट ऐसे होते हैं, सईद आप भी इस बात से एग्री करेंगे, कि आपको उनके सामने सवाल जोर से रखना होता है। जोर से रखने का मतलब चिल्लाना नहीं, अपनी बात प्रेशर से कहना। और शायद जो बात कही स्मिता ने या दिलीप ने कही है, वो जो कुछ चंद लोग हैं उनके बारे में बात कही है। मैं जिस स्कूल ऑफ जर्नलिज्म को बिलोंग करती हूँ वो रजत शर्मा का है। कभी भी इंडिया टीवी के किसी भी शो को लेकर कभी ये नहीं हुआ कि बहुत चिल्लम चिल्ली, बहुत ही तू तड़ाक वाला कुछ ऐसा रहा हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उनकी जो स्टाइल है वही इंडिया टीवी ने भी अपनाई कि कभी भी ऐसा। लेकिन बाकी भी जो एंकर्स हैं उनके लिए ये कहना, पब्लिक उनको देखती है, उनको पसंद करती है, और वो सवाल शायद पब्लिक के कभी कभी होता है कि हमें भी गुस्सा आ जाता है कि ये सवाल कैसे, तो वो पब्लिक का सवाल होता है, वो पब्लिक का गुस्सा होता है। हाँ, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबको एक रंग से पोत देना कि सब चिल्लाते हैं, एंकर्स को कुछ नहीं पता, ये हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं। मतलब मुझे यहाँ बैठ के बहुत अजीब सा लगा कि मेरे कलीग जो खुद एंकर रहे हैं वो ये कहें कि एंकर्स, उनको लगता है कि आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। क्या इसमें कोई रोज़ डिबेट कर सकता है बिना मुद्दे को जाने? आप बताइए, आप बताइए में क्या 1 घंटे या 2 घंटे का शो निकल सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपके मन में उस वक्त कोई और सवाल उठता हो, मेरे मन में कोई और सवाल उठेगा, लेकिन ये कह देना कि वो गलत हैं और उनको सवाल ही नहीं पता या उनको मुद्दा नहीं पता, या जो एंकर जो बनने आते बच्चे जिनका जिक्र आपने किया IAMC में, मुझे भी बहुत बच्चे मिलते हैं जिनको लगता है कि एंकरिंग ग्लैमर है, राइट, शुरुआत में उनको लगता है। लेकिन जब वो आते हैं और जब वो काम करना शुरू करते हैं, जब वो न्यूज़ रूम में आते हैं, तो उनको पता लगता है सच्चाई क्या है, क्योंकि एंकर से ज़्यादा कोई टफ सिचुएशन फेस नहीं करता है। जब आप किसी लाइव में होते हो, कभी कभी ऐसी खबर हो जाती है जिसके बारे में न्यूज़ रूम टॉकबैक बंद करके बैठ जाता है, आपको कोई कुछ नहीं बताता है। उस वक्त वो पूरा शो एंकर अपने आप हैंडल करता है। मैं अपने करियर की बहुत शुरुआत की बात करूँगी, ETV बिहार में थी मैं, जहानाबाद जेल ब्रेक हुआ था। वो दिन था, मैंने बहुत, मेरा 1 साल का करियर रहा होगा, 1.5 साल का, और उस वक्त उस दिन इलेक्शन था, सारे सीनियर एंकर जा चुके थे, मैं बची थी। तो मेरे डेस्क इंचार्ज का फ़ोन आया कि आपको अर्चना ये करना है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आप कर लोगे। और उस समय वहाँ पे लाइट कटी हुई थी, कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो 6 घंटे शो मैंने किया है। और उस तरह के शो करने के बाद अगर कोई ये कहे कि एंकर्स को, और वो बहुत शुरुआती दिन था मेरा, मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैंने जनमत में काम किया, वो सिर्फ और सिर्फ डिबेट और डिस्कशन का चैनल था। मैंने कभी नहीं देखा कि चीखना चिल्लाना होता हो, क्योंकि इसमें आपको तय करना होता है जवाबदेह कौन है, वो होना चाहिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो तय होता है। बहुत बार गेस्ट ऐसे होते हैं जो ऐसे आपके तार्किक सवालों का भी ऐसा जवाब देते हैं कि वो मोड़ के ले जाते हैं, तो एंकर को घूम के अपने प्लेटफॉर्म पे उनको लाना होता है, और इसीलिए कई बार तीखे सवाल पूछने पड़ते हैं। लेकिन इसके लिए सब एंकर्स को खारिज कर देना और ये कह देना कि एंकर्स को समझ नहीं होती, वो फील्ड में नहीं जाते, मुझे लगता है इसलिए उनको ज़्यादा समझ होती है, क्योंकि फील्ड में कम जाते हैं और काम ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई ज़्यादा करते हैं। क्योंकि मैं भी हूँ, कश्मीर हो या मध्य प्रदेश हो, अभी इलेक्शन में सब जगह गए हैं, तो इसलिए ऐसा ये कहना बिल्कुल भी गलत है, और मेरे ख्याल में बहुत इनजस्टिस है एंकर्स के साथ। ठीक है, अभी हम जाना चाहेंगे गरिमा सिंह जी के पास। गरिमा, आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस इशू? सबसे पहले यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरा प्रणाम, सभी को आदाब। शुरुआत करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ घूम जाते हैं ज़रा। आर टीवी स्टूडियो एंड टीवी डिबेट बिकमिंग इको चैम्बर्स। हम एंकर्स पर क्यों आ गए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। शुरुआत करना चाहूंगी एक पंक्ति से जो लघु सूत्र है हिंदी में, अति सर्वत्र वर्जेत, यानी कि अतिवाद जहां होगा वहां समस्या और विकार उत्पन्न होगा ही होगा। यहां से हम अपने इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं। हम टीवी डिबेट का जिक्र कर रहे हैं और टीवी स्टूडियोज का जिक्र कर रहे हैं, जिन्हें हम साबित करना चाहते हैं या फिर पूछना चाहते हैं कि क्या वो इको चैम्बर्स बन गए हैं। सबसे पहली बात तो जो मैं कहना चाहती हूँ, उसमें सिर्फ एंकर इकलौता रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होता है, उसके पीछे एक लंबी चेन होती है, उसमें प्रोड्यूसर्स की मेहनत होती है, सबसे पहले टॉपिक डिसाइड होता है, एडिटर संपादक स्तर पर वो तमाम चीज़ें तय होती हैं, प्रोड्यूसर, रन डाउन प्रोड्यूसर यानी कि न्यूज़ रूम के कई लोगों की मेहनत उसमें शुमार होती है, बाकायदा प्लान होता है कि अपने इस शो को हमें कैसे ऑन एयर लेकर जाना है। और मुझे लगता है एंकर उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, अनटिल अनलेस वो संपादक के स्तर पर नहीं बैठा हो। क्योंकि अभी मैं चैनल को संपादक के तौर पर संभाल रही हूँ, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर को संभाल रही हूँ, लेकिन तकरीबन 15 सालों तक मैंने भी न्यूज़ रूम में सिर्फ और सिर्फ एंकर की भूमिका निभाई है। तो इस तौर पर हम, क्योंकि हमारा ये जो पूरा डिस्कशन है ना तरुण, ये सिर्फ एंकर पर ही सेंट्रिक होकर रह गया है। मैं सईद की एक बात से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इत्तफाक रखती हूँ कि दरअसल ये डिमांड और सप्लाई का मसला है। अभी कुछ दिन पहले आप सबों को एक शो ज़रूर याद होगा, चैनल, प्राइवेट चैनल, निजी चैनल था, मैं उसका नाम नहीं कोट करना चाहूँगी क्योंकि किसी भी तरीके से एंडोर्समेंट नहीं हम चाहते हैं इस मंच पर, लेकिन कुछ ऐसा संयोग तो नहीं कहूँगी उसको, दुर्योग बना कि एक एंकर उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे और जो वहाँ पर मेहमान मौजूद थे उनमें से एक मेहमान ने किसी दूसरे मेहमान को थप्पड़ जड़ दिया। अब यही हम ही सब जो भारत की आवाम है, हम जो ऑडियंस के तौर पर टीवी न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, हम ही ने उस एक प्रॉपर वीडियो को हज़ारों दफ़ा देखा। क्या हम में से हम सब जो आवाम यहाँ पर बैठे हैं, हम जो ऑडियंस यहाँ पर बैठे हैं, जो टीवी न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, क्या हम अपने आप से पूछते हैं क्या कि हम क्या देखना चाहते हैं? क्या हम में से कोई डीडी नेशनल देखता है क्या? डीडी न्यूज़ पर जो डिबेट चल रही होती है हम देखते हैं क्या उसको? क्या हम चाहते हैं क्या कि जीएसटी पर या एक बिजनेस मॉड्यूल पर, भारत के जीडीपी पर जो भी बहस एक सेंसिबल तरीके से चल रही है, कितने दर्शक मिलते हैं उन बहसों को? सईद की बात से इसीलिए इत्तफाक रखती हूँ, आज शाम में या कभी भी जब भी वो अवार्ड्स मिल रहे होंगे तो वही टेबल तोड़ एंकर्स को मिल रहे होंगे, लेकिन सीधे सीधे ये डिमांड एंड सप्लाई का मसला है। डाइवर्ट नहीं होना चाहूँगी इश्यू से, आप जो चाहते हैं वही देखते हैं। हाँ। क्यों फिर उन तमाम प्रोग्राम्स की टीआरपी रेटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है कि प्रेशर ऑटोमेटिकली एक क्रिएट होता है कि उसी तरह के प्रोग्राम्स और बनाए जाएं। तो यहाँ पर एक पॉइंट, पहला पॉइंट जो टेबल पर रखना चाहूँगी वो ये कि एंकर जो है एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है इस पूरी चेन का। दूसरी चीज़ जो कहना चाहती हूँ कि आप जो देख रहे हैं वही दिखाया जा रहा है। हाँ, यकीनन एक और बात, हमारे मीडिया इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से दिलीप यहाँ पर हैं, स्मिता हैं, सईद हैं और अर्चना हैं, और हम सबों ने एक लंबा अरसा, एक लंबा वक्फा न्यूज़ रूम में गुजारा है, और उसके बिना पर मैं ये वाकई दावे के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकती हूँ, जवाबदेही के साथ कह सकती हूँ कि बेसिकली बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके चलते तोहमत सबों पर आ गई है। तो ये तो हमें तय करना है कि हम कितना सेंसिबल होना चाहते हैं, कितना ऑथेंटिक होना चाहते हैं, कितना प्रेजेंटेबल होना चाहते हैं, कितना रिलायबल होना चाहते हैं, ये हमें इंडिविजुअली तय करना होगा। क्योंकि देखिए 130 करोड़ की आबादी है ना, उसमें से हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। न्यूज़ रूम में क्या हर प्रोड्यूसर एक लेवल पर, एक कैपेबिलिटी के साथ, एक बेसिकली एक स्किल के साथ काम कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही एंकर्स जमात में भी है, और इस न्यूज़ डिबेट को एंकर के ही सिर पर रख देना मुझे लगता है ज़्यादती होगी। और क्योंकि मैं बतौर चैनल हेड भी यहाँ पर मौजूद हूँ, बतौर एंकर भी मौजूद हूँ, इसलिए तमाम चीज़ों को बखूबी समझती हूँ। एक और चीज़, दरअसल हम ना क्राइसिस के दौर में है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसको समझना होगा। अगर बदलाव टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तो आपको देखना होगा कि वही बदलाव समाज के अंदर भी तो है, वही बदलाव आप अपने आसपास देखिए ना, नजर दौड़ाइए, ठीक वही बदलाव आप अपने समाज में भी पाएंगे। लेकिन आसान है कहना, और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने अभी शैशव काल में है, खासतौर से अगर हम भारत की बात करते हैं, अभी अर्जेंटीना की एक डेलीगेट हमारे साथ थी, तो हम शैशव काल में हैं और हमें सीखना होगा, समझना होगा, और शायद वो ब्रेन हमारे पास अभी नहीं है। कई दफ़ा मैं अपने ऐसे साथियों के साथ बात करती हूँ जो टीवी इंडस्ट्री में बहुत पहले कभी रहे थे, मार्केटिंग में, सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन अभी जब वो मुझसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि गरिमा, आपकी इंडस्ट्री का दरअसल स्टैंडर्ड इतना लो है कि उस पर क्या बात की जाए। तो हमें शायद ऐसे लोगों की, ऐसे प्रोटैगनिस्ट की ज़रूरत है, ऐसे अगुवाओं की ज़रूरत है जो शायद इस कॉन्सेप्ट से इतर हटकर सोच सकें। डिजिटल में कुछ बेहतर काम हो रहा है और उसी तौर पर मुझे लगता है कि टीवी के प्लेटफॉर्म को भी आ जाने की ज़रूरत है। इस सबसे बेहतर क्या हो सकता है? आइडियाज़ जनरेट करने होंगे, सोच डेवलप करनी होगी, निकलना होगा, समझना होगा, देखना होगा और शायद तब एग्जीक्यूशन के लेवल पर उन तमाम आइडियाज़ को ले जाया जा सकेगा। मुझे ये लगता है क्राइसिस है दरअसल। लैक ऑफ गरिमा ने दिए, बट मुझे अभी बताया गया है कि हमारे पास अभी समय कम है, इसलिए मैं सीधा क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ आऊंगा। हम दिलीप तिवारी जी से शुरू करके फिर सारों के क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे। सबसे पहले मैंने ये कहा था कि ये व्यक्तिगत नहीं है, आप लोगों ने दिल पर ले लिया, लेकिन दिल पर मत लीजिएगा। पहली बात ये कि जैसे सईद ने कहा कि हम सब्जेक्ट से, या गरिमा ने कहा सब्जेक्ट से भटक रहे हैं। आपने शायद तरुण का सवाल सुना होगा कि जो फील्ड में रिपोर्टर्स रहते हैं, जब वो एंकर्स बन जाते हैं तो स्टूडियो में उसके एक अच्छा इम्पैक्ट आता है। हम उधर से शुरू हुए थे, हम सब्जेक्ट से भटके नहीं हैं। नाम लेने का जहाँ तक सवाल, सईद, अपने विरोधियों की आलोचना करना या राइवल चैनल्स की आलोचना करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि नाम पर्दे के पीछे रहने दिया जाए तो अच्छा है। आप भी उसी जमात से, मैं भी उसी जमात से हूँ। और जहाँ तक सवाल उन एडिटर्स का है जो मास्टर्स हैं, जो हमको सबको नचाते हैं या जो जिनके इशारे पर हम सब नाचते हैं, तो उनकी हम पूरी इज्जत करते हैं, दिल से करते हैं, भरे मन से भी करते हैं। कई बार आप भी करते होंगे कि मन भी नहीं होगा तब भी आप इज्जत करते हैं। ये फील्ड है, रहना चाहिए, अच्छा बुरा सब होता है, कहीं कोई क्राइसिस नहीं, कहीं कोई संकट नहीं है। हम सब जिम्मेदार हैं, जो भी गलतियां हैं उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। मैं बार बार, माफ़ कीजिएगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। जैसे आपने कहा कि हम रिपोर्टर से ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता आपसे। रिपोर्टर से ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाला इस इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कैमरामैन हो, चाहे कोई भी हो। दिन रात 24 घंटे वो काम करता है और मैं रिपोर्टर हूँ और मैं हमेशा रिपोर्टर रहना चाहता हूँ। सईद, मैं पूरी विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई एक ऐसा एंकर बनाइए, बताइए जिसने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोजर, सबसे बड़ी स्टोरी की हो और उसको मैक्से से हो, रामनाथ गोयनका का हो या कोई भी अवार्ड मिला हो। मुझे सिर्फ वो एंकर बता दीजिएगा आप। मैं दिया लेके भी ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगा साहब। और मैं उन लोगों की इज्जत करता हूं, आज भी मैं फील्ड में, फिर नाम नहीं ले रहा हूं, मैं आज भी जब मैं पार्लियामेंट जाता हूं तो मैं 4 एडिटर्स को देखता हूं तो मुझे खुशी होती है कि इनकी उम्र 55 प्लस है, लेकिन आज भी ये एक खबर की तलाश में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। मैं बिल्कुल भी एंकर और रिपोर्टर में कहीं कोई फर्क नहीं मानता हूँ। आप जो रिपोर्टिंग करने की बात कर रहे हैं एज ए एंकर, मैं भी वही रिपोर्टिंग करता हूँ कि विधानसभा के चुनाव होंगे, मैं पहुँच जाऊँगा। आपका स्टार एंकर मोदी जी इंटरव्यू रिपोर्टर को क्यों नहीं देते हैं, क्यों एंकर को देते हैं? आपके एंकर्स क्यों पहुंच जाते हैं वहां पर? आपका एक फील्ड पर रिपोर्टर है जो 24 घंटे नरेंद्र मोदी को कवर करता है, फिर आपका एडिटर ये तय करता है कि एंकर ही जाएंगे, एडिटर्स ही जाएंगे। ये हमने इस वर्जना को तोड़ना होगा, हम सबको। वो फिर या तो मतलब उसको नॉलेज नहीं है, जैसे आपने कहा कि हमको सब फील्ड का नॉलेज है, उसको तो एक ही फील्ड का नॉलेज है, सबसे बड़ा एक्सपर्ट वही है। अगर अपनी फील्ड का मास्टर ऑफ ऑल आप बनना चाहते तो बनिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक उस व्यक्ति को तो देखिए जिसने 24 घंटे 365 दिन लगातार उस फील्ड को कवर किया, लेकिन जब इंटरव्यू देने की बात आएगी तो फिर आप एंकर और एडिटर को भेजते हैं। ये फैसले करने वाले लोग ही तो कर रहे हैं। दूसरा, हम किसी एंकर्स को हिट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके समाज के एक व्यक्ति को भड़वा कह के कोई जाता है तो किसी एंकर ने कमेंट किया क्या? कोई खुल के आपने प्रोटेस्ट किया क्या? एक साथ मंच पर आए कभी क्या? आप ही के एक कलीग को एक टीवी में डिबेट में बैठने वाला एक प्रवक्ता पार्टी का भड़वा कह रहा है और फिर आप उसमें मजे लेते हैं, हम सब लोग मिलकर मजे लेते हैं कि उसको भड़वा कह दिया। और वही आदमी दूसरे चैनल में दिखता है मुझे। अब अगर नाम पूछना चाहते हैं तो आप शायद मेरे से ज़्यादा अवेयर होंगे, क्योंकि आप एंकर की जमात का हिस्सा हैं आप लोग, कि अगर मेरे जमात के एक व्यक्ति को, एक एंकर को, एक टीवी का प्रवक्ता, वो किसी भी पार्टी का हो, आप हम सब मिलकर तय नहीं कर सकते कि इसमें भी हमको एक आयोग बनाना होगा, एक कमीशन बनाना होगा, जाके कहना होगा कि यार तुमने इस व्यक्ति को भड़वा कैसे कह दिया? अरे भाई, आपका लहजा इतना खराब है, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी ने जिसने देश में 60 साल राज किया है। वही हाल बीजेपी के प्रवक्ताओं का है, कुछ भी बोल के चले जा रहे हैं। वही हाल बाकी प्रवक्ताओं, उन्होंने सीख लिया है। जिस थप्पड़ का जिक्र आपने किया, उस थप्पड़ से भी हम वाकिफ हैं, लेकिन हमने ये फैसला किया कि हम नहीं चलाएंगे। ये गलत बात है कि आप इसको इस तरीके से ना चलाएं। दूसरा, आपको लेकर आप कहते हैं आप छोटा सा हिस्सा है, मैं कहता हूँ कि एंकर सबसे बड़ा हिस्सा है। शायद दर्शकों को मन की भाषा को आप नहीं समझते हैं। एंकर ही सब कुछ होता है। हमसे तो पूछते हैं इनकी सैलरी कितनी है, यही चैनल चलाते हैं, यही बड़े लोग हैं, यही दिखते हैं। भाई, पर्दे के पीछे कौन है कोई नहीं जानता है। आप ही फेस है, आप ही को दिशा और दशा तय करनी है। जहां तक इस बात का जो सब्जेक्ट का है असर ये है कि जब हमने बोलने का मौका दिया, एक दूसरे की सुने हमने, तो ये भी तो डिबेट है, हम डिबेट ही कर रहे हैं, लेकिन हम सुन रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन कई एंकर्स ने जब जिस तरीके से वो आते हैं, फिर आप कहेंगे कि आप नाम लीजिए, जिस तरीके से वो आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप आने वाला है, नहीं आएगा तो वो अलग अलग फ्लेम निकलती है, अलग अलग, कहीं आग लगी होगी, कहीं भूकंप आ जाएगा, कहीं कोई गड़गड़ाहट होगी, ये क्या है? लेकिन वो बहुत चंद चेहरे हैं ना दिलीप, देखिए चंद चेहरे हैं, और वो ऐसा नहीं है कि चंद चेहरे उनकी सुनी नहीं जा रही है, देखी जा रही है। समय पूरा हो रहा है, अब स्मिता को देता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि सईद अंसारी हमारे पुराने दोस्त भी हैं, बहुत शांत स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन बेहतरीन एंकर हैं, इसीलिए इन्होंने आने के साथ ही जो बिल्कुल हल्ला बोल कर दिया, तो शाम 6 बजे का जो है एजेंडा सेट हो गया यहाँ, और मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, भले ही उस शो को अवार्ड मिले या ना मिले, दैट्स माई पर्सनल चॉइस, क्योंकि मैं शोर शराबे वाला, आप सही हैं, जब मैं एंकरिंग करती थी IBN 7 में एज ए यंगर एंकर, मेरे शोज़ में भी बहुत शोर शराबा होता था। धीरे धीरे उस स्टाइल को मैंने चेंज किया, क्योंकि जब मैं घर जाकर अपने शोज़ को देखती थी तो मुझे लगता था मैं तो एज एन ऑडियंस खुद को नहीं देख पा रही हूँ, कोई और मुझे क्या देखेगा। तो देवर ओकेजन्स वेर आई कुड डू इट, देवर ओकेजन्स वेर थिंग्स वर बियॉन्ड माई सर्कमस्टांस, एंड एज दिलीप सेड, none of the comments are poised at anybody personally. It is a generic remark, but I think if you want to say that the industry today is not facing a credibility crisis, then I'm sorry, we are all suffering from an ostrich syndrome. And burying our head in the sand is not going to wish away the problems that the industry faces. Because it's in each of our interests today, आज जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस हॉल में, वो न्यूज़ से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, और ये हम सबके इंटरेस्ट में है कि आज हम न्यूज़ को सिर्फ बिजनेस बनने से रोकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि कोई एंकर हो, कोई रिपोर्टर हो। तरुण को मैं पॉइंट करना चाहूँगी एज अ फॉर्मर एंकर की तरुण, आपने सवाल से जो है सबसे पहले 5 फोरन डाल दिया, एंकर वर्सेस रिपोर्टर की लड़ाई करवा दी। लेकिन जो है टीवी चैम्बर्स, जो इको स्टूडियो वाली बात है, मुझे लगता है कि ये एक दिक्कत है। This is also reflective of the current political scenario in the country. This is reflective of the way our societies, our drawing rooms have changed today. It is easier, basically, कि आप अपनी जो thought process है आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि as a news person सामने वाले की क्या thought process है, society की क्या thought process है, उसको जानने की कोशिश। ये दिक्कत है, और शोर शराबे वाले shows को अगर awards मिलते हैं, congratulations, my best wishes as an audience. I am hooked to podcasts. I am hooked to broadcasts of NPR, of BBC. I like to hear sensible discussions because I am an old school journalist. और मुझे news चाहिए, मुझे drama नहीं चाहिए। मैं I am sorry, आज editors जो top editors हैं, और नाम मैं भी नहीं लूँगी because it's beyond my style of conduct. जो editors ये बार-बार सिर्फ और सिर्फ TRP के नाम पर जूनियर एंकर्स हो या किसी भी सीनियर एंकर्स हो, उनको आप मतलब वो एक सर्टेन स्टाइल ऑफ शो करवा रहे हैं। इमरान खान की बीवियाँ, इमरान खान के जिन, किम जोंग उनके टैंक में किसको फीड कर दिया जा रहा है, किस इंसान को शार्क मछली के तौर पर खिला दिया जा रहा है। आप खुद सोचिए, लोग ज़रूर देख रहे हैं, TRP ज़रूर आ रहा है, लेकिन लोग आप घर जाके देखें तो वो कहेंगे कि हम न्यूज़ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। News is not meant for entertainment. News is meant for information. My only humble request is कि हम में से सारे लोगों ने, I'm sure ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा कि किसी के फैमिली को हमने रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाया है, ऑफिस से फ़ोन आ गया। एज एन एंकर, एज ए रिपोर्टर, सब ने सैक्रीफाइस किए हैं लाइफ में, बहुत बहुत घंटों काम किया है। कभी एंकर्स को घंटों मेकअप करके शो नहीं मिलता है या बकवास शो मिलता है, कभी रिपोर्टर्स को घंटों फुटपाथ पे बैठकर, मतलब सुबह 4 बजे 5 बजे इलेक्शन के डे पे राहुल गांधी के घर के सामने खड़ा कर देते हैं, जहाँ एक तो वो स्ट्रीट डॉग बैठा होता है, एक मैं बैठी हुई होती हूँ। किस लिए? ताकि 6 बजे की बुलेटिन में एक नोट मिल सके 30 सेकंड का रिपोर्टर का, कि हमारे 8 रिपोर्टर 8 जगह खड़े हैं। तो ये प्रॉम्प्ट करना चाहूँगा, I've got a... So I think my only humble request is, if we don't want TV studios to become echo chambers, it's the responsibility from everybody and editors to ensure that news remains news. Quickly. It does not become a business. हाँ, अभी जल्दी से request है कि तीनों अपना अपना ओपिनियन रख दें। मुझे बस ओपिनियन तो रखा जा चुका है, कंक्लूडिंग रिमार्क दे देती हूँ। और मुझे जो लगता है, देखिए बेसिकली बूंद बूंद से सागर बनता है। Be the change you want to see in the world. That's it. थैंक यू सो मच। सईद जी, आपको भी बिल्कुल ठीक। दिलीप, स्मिता, हम दोनों से आपसे सहमत हैं, लेकिन हमें लगता है यहाँ संकट दूसरा है। यहाँ आप दोनों ने हम अपनी इंडस्ट्री, हमारे एडिटर्स, हमारे मैनेजमेंट और आप हम सब पर सवाल उठा दिया है। क्यों घंटों खड़े होने के बाद भी 30 सेकंड का नॉड मिलता है? वो मैं स्मिता से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लोग टीवी देखते हैं, टीवी न्यूज़ देखते हैं। नहीं, आज भी न्यूज़ के लिए न्यूज़ ही देखा जाता है। 1 लाख एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं, GECs बहुत हैं और उसमें बहुत अच्छे, टीवी से कहीं ज़्यादा। कपिल शर्मा भी हैं, सास बहू भी हैं, विभा बैठी हैं पीछे, सब हर तरह के शोज़ हैं, उसके लिए भी सब है, टीवी ने भी इंतज़ाम कर रखा है। लेकिन आपने कहा ज़रूर कि क्यों उस गंदे शब्द की वजह से आपने दूसरे चैनल पर उस नेता को बुला लिया। आप और हम यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं? पहले हम एक दूसरे के हो लें, एक दूसरे की इज्जत कर लें। और वो ज़्यादा नॉलेजेबल है फील्ड में रहकर, स्टूडियो में बैठकर आप बताइए वाला एटीट्यूड या वो वाला एंकर है। अगर ये ख़त्म करेंगे तभी ये होगा। लेकिन एक बहुत आप सबसे ये कहना चाहेंगे कि जितने एक्सपोजे, जितनी बड़ी बड़ी स्टोरीज एज अ होल, आप उसे एंकर या रिपोर्टर की तरफ मत लीजिए, क्योंकि एक रिपोर्टर भी जब कोई स्टिंग ऑपरेशन करने जाता है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने जाता है, स्मिता आप बताइए, तो उसके लिए पहले प्रॉपर मीटिंग होती है, एडिटोरियल टीम के सामने वो रखा जाता है प्रपोजल, उसके इफ्स एंड बट्स पे विचार किया जाता है और उसके बाद उसे अप्रूवल लेकर जाते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक लीगल टीम भी आपके साथ बैठी होती है। तो ये एक एंकर सही से एंकरिंग ना करे तो वो रिपोर्ट बिगड़ भी सकता है, बिगड़ता भी है। सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है। रिपोर्टर्स बहुत अच्छी रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो री राइट डेस्क पर होती है। आज मैं ये कहना चाहूँगा बहुत दुख और तकलीफ के साथ कि बहुत कम, रेयर या एक भी ऐसा रिपोर्टर नहीं है, मैं डेस्क का आदमी हूँ, मैं आउटपुट का आदमी हूँ, एक भी ऐसा रिपोर्टर नज़र नहीं आता जिसकी कॉपी आए और हम उसे एज इट इज़ ऑन एयर कर सकें। नहीं, हमें देखना पड़ता है, हमें रीचेक करना पड़ता है, हमें फैक्ट्स एंड फिगर को चेक करना पड़ता है और उसके बाद वो जाती है। तो डेस्क पर बैठा वो प्रोड्यूसर, वो राइटर, वो पैकेजिंग, जो एडिट करता है, जो कैमरा करता है, प्लीज़ उसे भी मत भूलिएगा। फेयर पॉइंट। गरिमा, आप क्लोज करें इसको। ये जो बहस शुरू हुई, वो गलती, जो डिबेट थी वो गलत दिशा में चली गई, एंकर रिपोर्टर रह गई, सवाल गलत आया, ये सारा दोष आप पे है, है ना? मैंने किसी और पर्सपेक्टिव में पूछा था, बट क्या होता है ना, बात कही, इसको माफ कर दो, सबसे छोटा है। जो आपने बात कही कि जो अपशब्द का इस्तेमाल किया, तो ये मैनेजमेंट लेवल पे फैसला होना चाहिए। और अभी रिसेंटली मैंने इस बात का अनुभव किया, जब जामिया में रिपोर्टर्स को मारा गया, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम सब खड़े होके ये कहते हैं कि हम यहाँ नहीं भेजेंगे, कोई कवर नहीं करेगा इसको। आज इसका रिपोर्टर मारा गया, कल उसका। तो ये मैनेजमेंट और एडिटर लेवल का है, इसमें एंकर बेचारे क्या करेंगे, वो फैसला नहीं लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि जो हम काम करते हैं वो ग्रुप वर्क है। जिस तरह से सईद ने कहा, बिल्कुल सही बात है, वो ग्रुप वर्क है। अगर रिपोर्टर ने स्टोरी कर दी, लेकिन अगर स्क्रिप्टिंग अच्छी नहीं हुई है, अगर एंकर ने उस स्टोरी का पैक जो है वो हैंडल नहीं किया, प्रॉपरली नहीं किया, तो स्टोरी किल हो जाती है। फेयर पॉइंट। तो ये समझना पड़ेगा कि ये ग्रुप वर्क है। बट आई एम रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव अ बिग हैंड टू द पैनल टुडे। दे हैव एब्सोल्युटली वेरी वेरी एक्टिव। लेकिन ये गुजारिश है कि एंकर्स नाराज ना हो।